हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जब से मैंने अनंत एंड राधिका की शादी देखी है ना, वहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी आए थे सबने गोल्डन कलर पहना हुआ था। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो यार फटाक से आप लोग के साथ लुक शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे पास गोल्डन सूट था। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो मेक श्योर लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक लुक को क्रिएट करने के लिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने कैसे मेकअप किया हुआ है। देखो यार, मेकअप करने से पहले स्किन को अच्छे से प्रिप करना होता है, तभी हमारा मेकअप लॉन्ग स्टे करता है, ग्लोई बनता है। ठीक है, तो स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बातें हो गई बहुत सारी, अब चलो फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा फेवरेट टोनर लगाया है। टोनर हमारे पेज बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लास लाइक ग्लो के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का राइस वाटर डूई एक्टिव सीरम। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर एंड नियासिनमाइड। जैसा कि आप सभी को पता ही है, राइस वाटर हमारी स्किन को ब्राइट करता है। इन इज विद द गुडनेस ऑफ प्योर राइस वाटर द सीरम डीपली हाइड्रेट्स स्किन एंड एड्स ए ग्लास लाइक ग्लो। 10% नियासिनमाइड टारगेट डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। रिजल्ट जो इसका है ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, स्किन को इवन टोन कर देता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये तो आप सभी को पता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है एंड हमारी स्किन को ना ऑल डे हाइड्रेट रखता है। द बेस्ट पार्ट, दिस मेडसेफ सर्टिफाइड सीरम इज फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हो। एक चीज़ और, मामा अर्थ लिसन टू यू, सो यूज़ देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर ऑनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट, प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। एज यू गाइज नो, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू। मैसेज मी आर कमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट आ मामा अर्थ स्टोर्स नियर यू। सो मैंने यहाँ पर सीरम लगाया, इसके बाद आप देख ही सकते हो कितना प्यारा ग्लो कर रहा है फेस। इसके बाद मैंने यूज किया मामा अर्थ का डोई वाटर, सॉरी मामा अर्थ का राइस वाटर डोई सनस्क्रीन। इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन ना फास्ट जो एजिंग होती है उसको जो है कम करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने लगाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस ग्लो करे तो मेक श्योर ये जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाया मामा अर्थ का सीरम एंड सनस्क्रीन से आप ज़रूर ट्राई करें। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कूपन कोड यूज कर लेना। अब आप देख लीजिए, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, बस मैंने सिर्फ यही दो डोई प्रोडक्ट्स यूज किया हुआ है। मेरा फेस नेचुरली कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं है, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपके मेरे फेस आपको मेरे फेस पर। अब मैं यहाँ पर प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर हमारे पोर को मिनिमाइज़ कर देता है, मेकअप को लॉन्ग स्टे करता है। इसके बाद प्राइमर लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक अपनी आईब्रो को फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्टेप दिखाए हुए हैं। और एक चीज़ और, मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है, तो आप सभी को पता ही है। तो फिर मैंने लगा लिया फाउंडेशन और देखिए ईजली कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, सब पॉसिबल हुआ है सीरम एंड सनस्क्रीन की वजह से, जो कि हमारे फेस को इतने अच्छे से ग्लोई बना देती है ना कि नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा ईजली ब्लेंड हो रहा था, आप देख ही सकते। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश एंड हाईलाइटर लगाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि फेस ना काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो एंड अच्छा लुक आए, बस मैं यही चाह रही थी। प्लीज़ मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, कैसे कैसे करके वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे ही पता है। इसके बाद मैंने आई लुक क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, एक मैट आई शेडो लिया, उसको लगाया, ब्लेंड किया। इसके बाद फिर मैंने सिमर आई शेडो लगा लिया। सच सच बताओ, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? नहीं किया तो क्या करो, फटाक से लाइक करो। और आपको मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट में बताना। इसके बाद मैंने आई लाइनर स्केच आई लाइनर लिया, बट आप देख लीजिए पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने मामा अर्थ का ब्राउन काजल लिया, इसको कुछ इस तरीके से स्मज कर लिया। इसके बाद कॉम्पैक्ट की हेल्प से पूरे फेस को सेट कर लिया, क्योंकि बारिश का सीज़न है, मैं नहीं चाह रही थी कि फेस ऐसे ग्रीसी ग्रीसी से ऑयली सा फील हो। बारिश के सीज़न में कितना भी ड्राई फेस हो वो थोड़ा सा ऑयली सा फील होने लगता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ, क्रॉस का निशान बनाना है, मेरी बहुत पुरानी ट्रिक है। अगर आप मुझे लंबे टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लिप को ना परफेक्ट वे में कैसे आउटलाइन करें। इसके बाद मैंने मामा अर्थ की न्यूड लिपस्टिक लगाई, जो कि मैट लिपस्टिक थी। इसको लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट देते हैं, तो एक मैंने लिक्विड लिपस्टिक बीच में लगाई, तो आप देख लीजिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। बस इसको कंप्लीट करते हैं फॉल्सीज के साथ।
और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, कैसे लग रहे हैं अभी तक आपने बताया नहीं, फटाक से बताओ। लाइक नहीं किया हो ना, करो यार लाइक। इसके बाद मश्कारा वश्कारा लगा लिया, सूट कैसा लग रहा है कमेंट में भी बताना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसके थ्रू जाके बाई कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाया, अब थोड़ा सा हाइलाइटर, इसके बाद सेटिंग स्प्रे से ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने सेटिंग स्प्रे डाला, इसके बाद पूरे मेकअप को सेट कर लिया। आई नो वॉइस ओवर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें जल्दी जल्दी बोलती जा रही हूँ और वीडियो बनाने में तो टाइम लगता है। ये बहुत ही लंबी क्लिप थी, एडिट करके मैंने इसको इतना छोटा सा किया है। तो फटाक से मेरी मेहनत के लिए आपको जो है कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी जल्दी से 1 मिलियन करा दो। ये सपना मेरा पूरा होगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, कब से 3 साल से वेट कर रही हूँ 1 मिलियन हो जाए। कितने अच्छे अच्छे कंटेंट डालती हूँ बट आप लोग कर ही नहीं रहे हो, लगता है साथ ही चला जाएगा मेरे ये सपना। इसके बाद मैं पहन रही हूँ बैंगल, कैसे लग रहे हैं कमेंट में भी बताना। सच में यार जो भी बोलो, गोल्डन कलर का कोई तोड़ ही नहीं है, लाजवाब है ये कलर। ऊपर से मेरा बैकग्राउंड गोल्डन हो गया, मैच मैच हो गया। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी दीजिए इजाज़त, अभी तो मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, बट सच बताऊँ तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैंने एक भी रील नहीं बनाई। इवन इसको ना मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी सूट नहीं किया, जो हम लोग इंस्टाग्राम मोड पर करते हैं ना, वो मैंने नहीं किया। तो देखती हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मे भी मैं इसी क्लिप में कुछ एडिट वेडिट करके डालूँ। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइज, बाय।